हल्द्वानी में वाइस एसोसिएशन की 29वीं वर्षगांठ सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र काठगोदाम में बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। बता दें कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र के डीआईजी शंकर दत्त पांडे और वाइस एसोसिएशन के अध्यक्ष ऋचा पांडे द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किया गया। वहीं इसके बाद मंच पर नैनीताल, हल्द्वानी और लालकुआ से आए शहीदों के परिजनों को आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। साथ ही डीआईजी ने समस्याएं सुन उनका समाधान भी किया। इसी दौरान डीआईजी ने मेधावी बच्चों को सम्मान देकर उनके हौसले अफजाई भी की। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये आज जो हमने यहाँ पर ग्रुप सेंटर काठगोदाम सीआरपीएफ में एक सीआरपीएफ वाइफ्स एसोसिएशन करके संस्था है जो सीआरपीएफ में जो परिवार हैं उनके वेलफेयर के लिए ये काम करती है संस्था, इसका आज स्थापना दिवस था यहाँ पर। और इसी संदर्भ में हमने यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम किया जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, बच्चों ने लेडीज़ ने भाग लिया। और इसके साथ में जो हमारे आसपास के जो शहीद परिवार हैं उनके शहीद परिवार के सदस्यों को यहाँ पर बुला के सम्मानित किया। जो इस तरह का कार्यक्रम हम कई बार करते रहते हैं जिसमें हम अपने नज़दीक में जितने भी हमारे शहीद कार्मिक हैं उनके परिवार के जो शहीद सदस्य हैं उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनको यहाँ पर बुलाते हैं, उनकी समस्याएँ सुनते हैं, उनके घर पर भी जाते हैं और उनको यहाँ पर आके भी सम्मानित करते हैं। ये एक हमारी एक परंपरा है, उसी की एक कड़ी थी कि आज ये कार्यक्रम हुआ। मेरा नाम शंकर दत्त पांडे है, मैं डीआईजी सीआरपीएफ हूँ यहाँ पर काठगोदाम। आज हमारा सीआरपीएफ का 29th कावर रेजिंग डे है और हम इस उपलक्ष में क्या है लेडीज़ लोगों के साथ में कांटेक्ट करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है या उन लोगों को आगे कुछ करना है तो वो हम प्रोत्साहित करते हैं, उनको अपने हम कावा में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। किसी को सिलाई सिखवाते हैं, किसी को ब्यूटीशियन कोर्स करवाते हैं, जिनके बच्चों को बाहर जाने में प्रॉब्लम है उनके लिए ट्यूशन्स प्रोवाइड कराते हैं और अंदर हमारे पुस्तकालय है और सिलाई भी करती हैं। अभी इस बीच भी हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम किए हैं जिसमें एक तो हमने मेडिकल चेकअप करवाया था, गायनेकोलॉजिस्ट उसमें आई थी हमारी ब्रजलाल हॉस्पिटल से और एक फिजिशियन आए थे। उसके अलावा हमने इन लोगों के लिए ड्राइंग कंपटीशन करवाया और कुकिंग कंपटीशन कराया जो लेडीज़ से रिलेटेड होता है और हम लोग के काफ़ी काम यहाँ चलते रहते हैं। वेलफेयर का जितना हम लोगों से हो सकता है वो हम कोशिश करते हैं।